हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन या टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों आज हम बात कर लेंगे कि कबड्डी में कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। क्योंकि देखो यार, कबड्डी में अब कौन राइट रेडर है, कौन लेफ्ट रेडर है, कौन राइट डिफेंडर है, कौन लेफ्ट डिफेंडर है, सब आप लोगों को नॉलेज मिल गया होगा। कौन मिडिल खेलता है, अगर इस चीज़ का नॉलेज आपको मिल गया है तो कबड्डी में आप बहुत ही आसानी से स्मॉल लीग जीत जाओगे। दोस्तों देखो, कबड्डी में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप ये अपने दिमाग में सोच लो कि आपको खेलना कैसे है। क्योंकि देखो, कबड्डी में पैसा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर पैसा गंवाना भी बहुत ही आसान है। बहुतों को लगता होगा कि भाई कबड्डी का तो नॉलेज सबके पास नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन तब कबड्डी में भी क्यों हो गया है। तो देखो दोस्तों, हम सही तकरीबन जुड़े हुए हैं 250 लोग एक साइड, फिर मान लो 1800 लोग एक साइड। मीन्स मान लो कि मेरे ही टीम तकरीबन 300 बंदे के पास ही अगर पहुँचते हैं मेरा टीम ऑन एन एवरेज, तो मेरे जैसे कितने मार्केट में घूम रहे हैं यार। तो या फिर और फिर कितने बड़े बड़े यूजर हैं। मैंने तो देखा है कि जितने बड़े सब्सक्राइबर वाले हैं ना, उनकी कबड्डी की टीम उतनी बेहतर नहीं होती है। क्योंकि देखो, नॉर्मल सी बात होती है कि बड़ी सब्सक्राइबर टीम वाले क्या करते हैं, आपको एक प्लेयर ऐसे दे देंगे जो आपको पॉइंट ला के कभी नहीं देगा। फिर उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पॉइंट गिर जाएगा और कबड्डी में ज़्यादा का मार्जिन नहीं होता है। क्रिकेट की तरह आप कबड्डी में 50 पॉइंट से नहीं जीतोगे, कबड्डी में 5 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं अगर कॉम्पिटिटर सामने वाला अच्छा हो तो। और अगर सामने वाला कंप्यूटर के पास नॉलेज ही नहीं होगी प्रदीप नरवाल और चंद्र रंजीत में से कौन अच्छा है, तब तो यार कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कबड्डी में आपको मैट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मैट क्या कहता है और किसके पॉइंट लाने के चांस ज़्यादा है। तो आज हम मैट के थ्रू आप लोग को बताएंगे कि पॉइंट्स कैसे कौन ज़्यादा लाते हैं। उससे पहले आप लोग को पॉइंट मतलब कॉन्टेस्ट खेलने का तरीका को, जो बार बार आप लोग का मैसेज आता है कि भाई कॉन्टेस्ट कैसे आप खेलते हो, आप कैसे विन करते हो। तो देखो दोस्तों, मैं अपना एक सीक्रेट बताता हूँ। मेरा कल का जो मैच था जयपुर वर्सेस पुणे की, तो 125 वाला ध्यान से देखना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने कल था कम खेला था, 9 125 वाला कॉन्टेस्ट खेला था, 9 में 9 मेरा विनिंग गया है। तो ये इसलिए गया है ना कि मुझे एक चीज़ पता होता है कि कौन सा मैच अच्छा है, कौन सा मैच बुरा है। कभी कभार क्या होता है, अच्छा हाई वाला भी मैच बुरा चले जाता है। तो वहाँ पे क्या है ना कि जल्दीबाजी नहीं करना है, अगले मैच में नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चिप देना है। ये वीडियो आप सारा देखोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और आप तो हारोगे बिल्कुल नहीं। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, जो हाई इन्वेस्टमेंट वाले हो, मैं वो ऑडियो क्लिप में भी बोल देता लेकिन इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। वो क्या करना, मैं 3 मेंबर का किंग अपने आप को वो कहता हूँ। अभी ये मेरा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आप ही लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो 3 मेंबर में किंग अपने आप को इसलिए कहता हूँ कि दोस्तों देखो, जो है इन्वेस्टमेंट वाले हो उसको क्या करना है, 387 का जो 3 मेंबर पैक है या फिर 230 का जो 3 मेंबर पैक है, ये कम से कम मिनिमम 5 खेलना ही है। मैक्सिमम उसके अपने इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कितना, देखो आप ड्रीम इलेवन ने क्या है ना कि ये सोच के मत आओ कि आप 5 रुपीज़ लेके आ रहे हो तो आप 50 बना ही लोगे। ये सोच के आओ कि मैंने 5 रुपीज़ अगर गवा भी दिया तो मुझे कोई टेंशन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके आते हो और फिर हार जाते हो तो आपको बहुत गम होगी। और अगर बस इसको इन्जॉय के लेके तौर पर आते हो तब जो प्रॉफिट होता है तो आपको फिर उसका मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। तो मैंने जैसे बोल रहा था कि 387 और 230 वाला हो गया, फिर या फिर बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट वाले हो गया, बहुत ज़्यादा खेलते हो तो 1150 का जो पैक है 3 मेंबर वाले, ये मिनिमम 5 खेलो। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 10 से ज़्यादा मत खेलना, क्योंकि 10 से ज़्यादा खेलोगे तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। लेकिन मेरे एक ऐसे यूज़र हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, वो मिनिमम मैं जो बोला हूँ 387 50 खेलते हैं, बहुत बड़ी रकम खेलते हैं, लेकिन उनको जो है मंथली का प्रॉफिट होता है मिनिमम 2 से 3 लाख रुपीज़, जो बहुत ही अच्छी अमाउंट है। मुझे प्राउड फील होता है कि बंदा का प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, बट उसका मैं नाम यहाँ पर नहीं बता सकता, स्क्रीनशॉट डेली मैं शेयर करता रहता हूँ उसका। तो जो मीडियम हाई वाला तो मैंने बता ही दिया, जो मीडियम इन्वेस्टमेंट करते हो उसको क्या करना है, 230 और 77 का 5 खेलना है, 230 का या फिर 5 खेलना है 77 का। तो अब ऐसा दोस्तों बिल्कुल मत करना कि 230 का भी खेल दिए 77 का भी खेल दिए, जो खेलना कोई एक खेलना, 230 का ही खेलना तो 5 खेलना, 77 का ही खेलना तो 5 खेलना। अब ऐसे में क्या होगा दोस्तों, अगर आप 3 खेलते हो 230 वाला, 2 खेलते हो 77 का, तो 77 आप जीत भी गए, 230 हार गए तीनों, तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में जा रहे हो। लेकिन आप जैसे ही एक पैक कोई खेलोगे ना, इसका आप ग्राफ बना के खेलोगे कि मैंने 10 खेला, 5 जीता, 5 हारा, प्रॉफिट है कि लॉस है, फिर आप एनालिसिस आसानी से निकाल पाओगे दोस्तों।
तो मैं 125 का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं जितने भी मेरे यूजर, मैंने सबसे मना कर दिया कि भाई 125 पे पीआर का कब्जा रहता है हर जगह। तो मैं 125 तकरीबन, इसमें तो मैंने नो ही खेला था, लेकिन मैं तकरीबन ऑन एन एवरेज 15 खेलता हूँ हर एक मैच में, जो मुझे लगता है कि सेफ मैच है। और मैं सेफ मैच में आप लोग को बोलूँगा हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही बोलूँगा, और सेफ मैच में आप लोग भी 10 टीम चिपका दोगे, मतलब 10 125 चिपका दोगे तो 200 आदमी चिपकाएंगे, तो यार मल्टीप्लाई कर दो, 2000 में तो मेरा क्लास होना तय है दोस्तों। 125 इतना आसानी से बढ़ेगा भी नहीं, 17 जैसे पैक नहीं है जो फटाफट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को 125 नहीं खेलनी है, बाकी आप जो लो इन्वेस्टमेंट वाले हो उसको क्या करना है, 77, 35, 27 और 17 का जो 3 मेंबर पैक है, ये आपको मिनिमम 5 खेल देनी है दोस्तों, ठीक है। या फिर वो भी कर सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट वाले हो वो 77 का तकरीबन 20 खेल दोगे, या 25 खेल दोगे, या फिर 50 खेल दोगे, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले हो 17 का 50 खेल दोगे। तो इस तरह की ट्रिक होती है जो आपको लगता होगा कि भाई इसमें रकम बहुत कम मिलता है, लेकिन आप देखना करके, अगर 77 का 50 खेलते हो, 35 भी जीत गए तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में जाओगे। ये एनालिसिस आप लोग निकाल कर कभी देखना दोस्तों। तो कबड्डी की जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको कबड्डी में सबसे पहले तो ये फाइंड करना है, जैसे कि आज हम मैच मैच को लेकर चलते हैं दोस्तों, ये तो मेरी विनिंग रिजल्ट थी। जैसे आज ही के मैच देख लो, दिल्ली वर्सेस पटना के बीच जो मुकाबला है, तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि मैच विनिंग कौन करेगा, क्योंकि आपने अगर ये चीज़ निकाल लिया और आपका कैलकुलेट बैठ गया तो आपने स्मॉल लीग समझो कि 85% जीत ली। अब दोस्तों भाई ये कौन सी बड़ी बात हुई, इससे कैसे आप लोग जीतोगे, तो रीजन देखो। अब आप लोग को मैं बार बार बोल चुका हूँ कि जो स्टार्टिंग 7 प्लेयर होते हैं उसको ऑल आउट करने पे 3 पॉइंट मिलता है, उसके टीम ऑल आउट करता है तो सामने वाला का -2 पॉइंट। मतलब क्या, जो आपका डिफेंडर है वो कुछ भी नहीं किया तो 5 पॉइंट ले लिया, कुछ भी नहीं कि आपका डिफेंडर तो 5 पॉइंट ले लिया। लेकिन ना दोस्तों, आप अगर विनिंग टीम वाले में हो ना, जो आपने टीम प्रेडिक्ट किया वो विन कर रहे हैं ना, तो हो ही नहीं सकता है, बहुत रेयर केस में होता है कि उसका कोई 7 प्लेयर में ऐसा प्लेयर हो जो 15 पॉइंट से कम दे या फिर 10 पॉइंट से कम दे। 10 पॉइंट वो कमा के देगा, 5 पॉइंट आपको देगा एक्स्ट्रा, तो 15 पॉइंट तो मिनिमम वो आपको दे ही देगा। लेकिन जो विनिंग लूजिंग वाली टीम होगा ना, उसका एक प्लेयर तो कोई दे देगा 40 पॉइंट के आसपास या 35 पॉइंट के आसपास, और उसका 2 से 3 प्लेयर ऐसा होगा जो 10 भी नहीं टप पाएगा दोस्तों। तो ये आप लोग को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं दोस्तों, आप लोग को एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताते हैं कि कबड्डी में कैसे आप जीत सकते हो अच्छा से अच्छा अमाउंट। जैसे देख लो, आज का दोस्तों मैच है पटना वर्सेस दिल्ली के बाद, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ रहता है। तो जैसे मान लो सर दोस्तों, ये हो गई मिड लाइन, ये हो गई आपका जहाँ पे आपको बोनस लाइन हो गई, ये देखो दोस्तों ये बोनस लाइन होगी। अब पटना के पास क्या है ना, पटना के पास मान लो 2 राइट रेडर हैं, कौन, प्रदीप और जैन कुंडली। तो ये दोनों कहाँ जाएगा, ये दोनों जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जो प्लेयर रहेगा ये दोनों, यही दोनों मिलके इसको टैकल कर सकता है। एक तो ये लेफ्ट डिफेंडर और एक ये दो ही बंदा। तो लेफ्ट डिफेंडर कौन रहेगा, यहाँ से लेफ्ट डिफेंडर रहने वाला रविंदर पहल, और यहाँ पे रहेगा कौन, अनिल, अनिल रहेगा दोस्तों गारंटेड। मान लो प्रदीप नरवाल जाएगा यहाँ पे पाँव फेंकेगा, रविंद्र पहल 10 अटेम्प्ट करता है तो डिफेंडर का तो -1 होगा ही नहीं, तो 10 में से अगर 3 भी सफल हो गया तो आपको उसने 15 पॉइंट ला कर दे दिया। अब यहाँ से निकलने के वक्त क्या करेगा, अनिल के ऊपर पाँव फेंकेगा, अनिल भी अगर 10 में से 3 नहीं टैकल कर दे तो 15 पॉइंट इसको ऐसे प्रदीप नरवाल से मिल गया। फिर क्या होगा, यहाँ से जाएगा जैन कुंडली, जैन कुंडली भी 8 7 8 फेंकेगा क्योंकि रेट परसेंटेज इसका कम होता है, तो रविंद्र पहल क्या करेगा, 7 8 में से अगर 1 भी सही किया तो रविंद्र पहल ने 20 दे दिया, अनिल भी 1 ने सही किया तो रविंद्र अनिल भी 20 दे दिया। मतलब ये गारंटेड मान लो आप कि अनिल और रविंद्र पहल 20 20 मिनिमम, रविंद्र पहल थोड़ा ज़्यादा भी दे सकता है क्योंकि ये लेफ्ट मतलब कॉर्नर खेल रहा है तो इसको ज़्यादा पॉइंट देने का चांस है, ये मिनिमम 25 मान लो, ये दोनों मिलके आज के मैच में 45 पॉइंट देगा ही, ये गारंटेड मान लो। अगर किसी भी तरह का कोई घटना नहीं होता, क्योंकि कबड्डी में घटना बहुत ही ज़्यादा होता है, मीन्स की चोटिल होने का, तो इस तरह का नहीं होता है, तो ये 45 पॉइंट ये दोनों मिलकर देगा ही दोस्तों। दूसरी रीजन, आपने क्या किया, जैन कुंडली आप प्रदीप नरवाल दोनों के ले लिया है, अब जैसे ही दोनों को ले लिया, अगर वो दोनों पॉइंट नहीं देते तो भाई पॉइंट जाएगा कहाँ, पॉइंट तो आएगा आप ही को, ये चीज़ जो दिमाग में बैठा लिया हो कबड्डी में कभी नहीं हारोगे, कि पॉइंट्स अगर आता भी है तो आप ही के खाता में आएगा, जाएगा भी तो आप ही के खाता में। क्योंकि देखो पटना के पास 65% रेट कौन करेगा, प्रदीप नरवाल, 35% रेट, 30% रेट कौन करेगा, जैन कुंडली, और 5% मान लो अदर कोई रेट आगे करेगा। मीन्स अगर आपने इस 95% पे अपना पकड़ बना लिया तो 5% आपको हरावा नहीं सकता है स्मॉल लीग दोस्तों। तो जैसे फिर अब आपको देखना होगा कि दिल्ली के पास क्या है, दिल्ली के पास जैसे आपको ध्यान देना होगा कि क्या चीज़ है, तो दिल्ली के पास देखोगे नवीन है, नवीन कहाँ जाएगा, जयदीप के पास जाएगा दोस्तों। तो दिल्ली के पास एक ही राइट रेडर है, राइट रेडर नवीन है तो उधर जयदीप है,
तो नवीन कम से कम 50% रेट अकेले बंदा दागता है, तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि अजयदीप और नीरज कुमार ये दोनों भी ठीक ठाक पॉइंट ला सकते हैं। दिल्ली के पास क्या है, दो लेफ्ट रेडर हैं, एक तो ऑलराउंडर मान लो विजय और CR66 रणजीत, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका हादी ऑस्ट्रो के पास। हादी ऑस्ट्रो के पास जाएगा तो चांसेस है हादी ऑस्ट्रो भी ठीक ठाक पॉइंट ला दे। तो जब आपको, अब आज मैं जैसे आप लोग को बता देता हूँ चार पांच प्लेयर का नाम, वो बहुत तगड़ा खेलेगा। पहला वो खेलेगा रविंद्र पहल, प्रदीप और नवीन, तो सबका कैप्टन वाइस कैप्टन होगा भाई। आपको कबड्डी में कैप्टन वाइस कैप्टन जिताने वाला नहीं है, आपको कबड्डी में जिताएगा डिफेंडर या एक्स्ट्रा प्लेयर। तो आपके लिए आज साबित होगा तुरुप का जैन कुंजली, दूसरा रविंद्र पहल, तीसरा अनिल, चौथा नीरज, नीरज पांचवा तो आपके पास प्रदीप रहेगा ही, छठा आपके पास तो आज नवीन रहेगा ही, और दोस्तों सातवां प्लेयर का नाम अब मैं भी नहीं बता सकता, सॉरी दोस्तों, वो आप लोग को वैसे अभी फिलहाल के लिए आप लोग विजय रख लो, लेकिन मैं सातवां प्लेयर का नाम खुल के यहाँ पे बता नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है ना कि टीम समीकरण बनाते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट सी बात है दोस्तों कि बहुत सारे बंदे यही नहीं जो है बात समझ में आता है उनको कि टाइम ऑफ का मतलब कंटेस्ट कब ज्वाइन किया जाए। तो कबड्डी का देख लो दोस्तों, आज मैं सीक्रेट बताता हूँ, कबड्डी का क्या करना है ना कि लाइनअप आने दो, कबड्डी का कंटेस्ट कभी भी लाइनअप से पहले ज्वाइन मत करो। लाइनअप से पहले ज्वाइन करोगे तो कम से कम आप मिनिमम 10 घंटा पहले ज्वाइन करो, क्योंकि तो उसी के बाद वाले प्लेयर का कोई प्लेयर बैठ भी सकता है। लेकिन लाइनअप के बाद क्या होता है ना कि सामने वाला देखो होगा क्या, आप भी दिमाग कब लगाओगे, लेना पाने के बाद ही दिमाग लगाओगे। अगर आप किसी पेड यूजर की टीम से खेलते हो तो आप मिनिमम 10 घंटा पहले टीम ज्वाइन कर लो, और नहीं अगर अपने दिमाग से टीम कंटेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना है, लेना पाने के बाद कंटेस्ट ज्वाइन करना है दोस्तों। इससे भी एक बहुत ही बड़ी बात क्या होती है, जैसे मान लो आपको 6 मिनट का टाइम बचा है, जब मैं टाइम दे टीम देता हूँ वो 5 मिनट पहले देता हूँ, तो आपको क्या करना है, मिनिमम 3 मिनट 2 मिनट में आपको टीम में लगा लेनी है, ठीक है। उसमें से आपको क्या करना है कि प्रदीप नरवाल को हटा देना है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वक्त। अब ऐसा ना हो कि टाइम ही निकल जाए कॉन्टेस्ट, आप फिर टीम एडिट ना कर पाओ। कम से कम 2 मिनट पहले आप क्या करो, प्रदीप नरवाल को टीम से हटा के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, जितना आपको ज्वाइन करना है, हेड टू हेड 3 मेंबर जो भी करना है, ठीक है। फिर आप क्या करो, जब 2 मिनट लास्ट 2 मिनट रहता है, क्योंकि लास्ट 1 मिनट में कभी भूल समझ जाना, क्योंकि लास्ट 1 मिनट में क्या होता है कि सर्वर भी डाउन होता है, तो लास्ट 2 मिनट में क्या करना, प्रदीप को खट से ले लेना किसी दूसरे प्लेयर की जगह पे, जिसके भी जगह पे आप रखना चाहते हो। देखना यार मैं तो ये ट्रिक करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो आप लोग भी ये ट्रिक लगा कर देखो। और मैंने जो बोला है कि एक ही पैक को 10 12 15 खेल लो, जितना खेलना है खेल लो, ग्रैंड लीग साथ में खेल लो। कबड्डी में देखो दोस्तों मिनी जीएल जो होता है 89 59 57 50 39 ये सब भी खेला करो साथ में, क्योंकि इस समय क्या होता है ना कि नथिंग टू लूज होगा, समथिंग टू प्रॉफिट में ही रहोगे हमेशा मेरी टीम से। जब 59 लगाते हो तो 75 कोई आपको रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 75 से कम ला के देगा आपको। किसी किसी मैच में ऐसा होता है कि आप हार जाओ, लेकिन किसी मैच में आप 1 पे भी आ सकते हो, 2 पे भी आ सकते हो, ये सब चीज़ होते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग उससे मैं लास्ट में ये बोलूँगा कि जो भी मेरे वीडियो अभी तक लाइक नहीं की वो लाइक कर देना, और वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आया वो कमेंट में पूछना, मैं उसका आंसर बहुत जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि कबड्डी में सीखना सीखो कि यार कैसे पॉइंट बन रहा है, कौन कैसे रेड में पॉइंट ला रहा है, किसके पास पॉइंट लाने की क्षमता ज़्यादा है, किस टीम के पास कितना लेफ्ट रेडर है, कितना राइट रेडर है। क्योंकि दोस्तों देखो दोस्तों, प्लेयर कितना भी बड़ा हो, प्लेयर बड़ा नहीं होता कबड्डी में, रेडर छोड़ के डिफेंडर में कोई बड़ा नहीं होता। अनिल कुमार भी 30 30 पॉइंट ला कर दे देगा आपको, रविंदर पहल तो बड़ा प्लेयर है ही तो थोड़ा सा मायने रखता है, लेकिन आपको क्या करना है ना कि अगर लेफ्ट रेडर है सामने में दो प्लेयर, तो आपको लेफ्ट डिफेंडर रखना ही है कुछ कंडीशन में, मतलब कितना भी कमजोर टीम क्यों ना हो लेफ्ट डिफेंडर आपको रखना ही है दोस्तों। जैसे बट आज का मैच के बारे में बोलूँ तो आज के मैच वाला जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट वाले नहीं है, क्योंकि देखना आप लोग क्रेडिट का बहुत बड़ा यहाँ पे मामला है, और कबड्डी में बहुत टाइम आप लोग क्या करना ना, मैं ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि 7 के 7 बेस्ट प्लेयर के पीछे कभी मत पड़ना कबड्डी में। 6 बेस्ट प्लेयर लो, एक या तो सब्स्टिट्यूट वाले लो, और अगर सब्स्टिट्यूट नहीं भी आता है तो कोई टेंशन नहीं है यार, कबड्डी में 6 प्लेयर इनफ है आपके लिए, क्योंकि आप 7 का 7 जो बेस्ट लोगे ना उसमें भी आप देखना कि एक या दो प्लेयर ऐसे होंगे जो आपको मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट देंगे। तो 5 10 पॉइंट लेने के चक्कर आप क्या करते हो, कोई बड़ा प्लेयर मिस कर देते हो, तो कबड्डी में ऐसा बिल्कुल समस्या करो, खास करके रेडर तो आप भूल बिल्कुल भी नहीं, और रिस्क लेना सीखो कबड्डी में। जैसे कि कल देखो, कल मैं आप लोग को बता दूँ, कल मैं पहला मैच हार गया तो थोड़ा बहुत अमाउंट, तो दूसरे मैच में मैंने बोला कि मुझे डिफरेंशियल पिक चाहिए, तो मैंने डिफरेंशियल पिक किसको लिया, पंकज मोहिते को कैप्टन बहुत कम बंदे ने दिया था और मैंने दिया। रीजन क्या था कि
यहाँ पे दीपक निवासुद्दा को बहुत लोग कैप्टन बना के आए थे और मंजीत को कैप्टन बना के आए थे। अब देखो दोस्तों, पंकज मोहिते अपनी टीम से कम 60% रेड करता है और लास्ट 10 मिनट में पंकज मोहिते रेड ही करता रहता है। तो आपको पंकज मोहिते को पता नहीं लोग क्यों नहीं कैप्टन देते। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में तो पंकज मोहिते ने मात्र दिया था आई थिंक 13 पॉइंट। सेकेंड हाफ में इस लोग का ज्वालामुखी आता है, पंकज मोहिते हो गया चाहे आपका पवन शेरावत हो गया, इस लोग सेकेंड हाफ में आगे बढ़ता है दोस्तों। दीपक नरवाल ने मुझे कल वन साइडेड जीत करवाया। तो आपको कभी कभार डिफरेंशियल पिक लेके चलना पड़ता है दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत फायदेमंद पहुँचाया होगा। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करना। लास्ट में ये चीज़, आप लोग को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में पीछे, मैं बहुत जल्द से जल्द उस लोग का जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों।